जो मैंने इसकी पहले इसकी एवरेज की तारीफ करी थी, बट इसकी एवरेज भाई किसी भी कोर्स पे बोलूँ अच्छी नहीं है भाई, क्योंकि कंपनी क्लेम करती है भाई इसकी 50 से 25। मैंने देखी है ना जो स्पीड से रिलेटेड थर्ड सर्विस के, आप देख लेना एक बार FZX लेने से पहले, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मेजर पॉइंट्स भी बताए और काफ़ी सारे कम पॉइंट भी बताए। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे आप सभी लोग, तो भाई आज हम लोग लेके आ चुके हैं FZX का रिव्यू वीडियो, जो कि होने वाला है भाई 6000 किलोमीटर चलाने के बाद। अप्रोक्स मेरे को इस बाइक को लिए हुए 1 साल हो चुका है, और 1 साल में मेरे को इसकी ऐसी चीज़ें कुछ पता चली है जो कि किसी भी FZX ओनर को पता होनी चाहिए। और अगर आप लोग FZX लेने का प्लान कर रहे हो ना, तो आप लोग को डेफिनेटली ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई ये कमी इस बाइक में है और ये एडवांटेजेस इस बाइक में है, कि मैं लेने से पहले मेरे को पता चल जाए। ऑल दो एडवांटेजेस जिसकी बात करूँ मैं बहुत कम है, और डिसएडवांटेजेस बहुत सारी है। तो उसके लिए आप लोग वीडियो एंड तक देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। एक एक चीज़ आप लोग को डिटेल में बताऊँगा। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भाई, जो हमारे लास्ट वीडियो पर मैंने बोलता कमेंट जो जो करेगा, जिस चीज़ के मेरे को रिप्लाई दे मैं दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक हमारा कमेंट आया बाइक से रिलेटेड ही, कि भाई इसमें ABS सिस्टम कौन सा है। भाई इसमें सिंगल चैनल ABS है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है। और सिंगल चैनल ABS में भाई ज़्यादा बुरी बात कुछ नहीं है, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है जो कि काफ़ी हद तक उसको थोड़ा सा बना देता है कवर अप करने के लिए। बट इसमें एक दिक्कत देती है हमें, ये सिंगल चैनल ABS में बाइक स्लिप बहुत ज़्यादा करती है। अगर आप तेज़ स्पीड पर एकदम से ब्रेक मारोगे, इंस्टेंट ब्रेक, बाइक के स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, अगर आप लोगों को बाइक अच्छे से चलानी नहीं आती। दूसरा कमेंट जो भाई हमारे एक भाई ने लिखा है, वो है भाई सुभाष अग्रवाल। भाई को पता नहीं क्या दिक्कत है, अभी तो भाई चैनल ग्रो नहीं कर रहा, अभी से एडिट करूँगा तो कैसे काम चलेगा मेरे भाई। भाई ने लिखा है, भाई तो इतना फ्लैक्स क्यों कर रहा है, ब्लैक ऐनक डाल के, ब्लैक ऐनक मतलब ये चश्मा डाल के रखी है छपरी। भाई फॉर काइंडली इन्फॉर्मेशन, अभी हो रखे है टाइम 12:04 दोपहर के, और धूप तुम्हें नहीं पता तो भाई एक बार दिखा देता हूँ तुम्हें धूप कितनी हो रखी है। सामने धूप देखो भाई, अगर तुम्हारी इतनी धूप में आँख खुल जाए ना, तो भाई एक बार प्लीज़ मेरे को कमेंट में बता देना, अगली बार से मैं जो एक्सरसाइज तुम करते हो ना, वो एक्सरसाइज करके देख लूँगा। भाई मेरी तो नहीं खुलती, इस वजह से बस मैं चश्मे डाल के रखता हूँ, और बाकी कोई मेरी ऐसी दिक्कत नहीं है। प्लस अब एक बात कर लेते हैं, हमारे जो राष्ट्रहित हमने स्कूल वाले NGO का डाला हुआ था, उसमें हमारे पास एक कमेंट आया है कि भाई राष्ट्रहित विद्यालय की और वीडियो चाहिए हमें। भाई उसकी वीडियो आपको, जब तक मैं यूट्यूब पे हूँ ना, उसकी वीडियो जो आपको मिलती रहेगी। अभी 14 तारीख को भी हम लोग राष्ट्रहित विद्यालय जाएंगे, क्योंकि मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, तो उस दिन भी हम लोग कुछ ना कुछ डोनेट तो करेंगे ही, और वो वाले लोग देखना भूलना मत। 14 फरवरी को एनिवर्सरी है, तो 15 को मैं डालने की पूरी ट्राई करूँगा। तो अभी के लिए इन सारी बातों को छोड़ते हैं, फटाफट आप जाके बाइक के एक बार सिनेमेटिक्स इन्जॉय करो, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ डिटेल में अच्छे से कि क्या क्या FZX की कमी है, और एक दो जो अच्छाई है, एक दो ही अच्छाई, ज़्यादा नहीं है, एक दो अच्छाई है वो आप लोग को बताता हूँ। जाइए अभी के लिए सिनेमेटिक्स इन्जॉय करो। भाई इसके सिनेमैटिक्स काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करे होंगे, और हर बार की तरह सिनेमैटिक्स इस बार हमने लिए, इस बार थोड़े से हमने डिफरेंट लेने ट्राई करा है, तो होप सो आप लोगों को एफर्ट थोड़ा पसंद आया होगा। ऑल दो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, आप लोग इस बुराइयों की बात कर रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई मैं सॉरी मांग रहा हूँ, जो मैंने इसकी पहले इसकी एवरेज की तारीफ करी थी, बट इसकी एवरेज भाई किसी भी कोस्ट पर बोलूँ अच्छी नहीं है भाई, क्योंकि कंपनी क्लेम करती है भाई इसकी 50 से 55 की एवरेज। और जेन्युइनली बताऊँ, फुल टैंक इसका टैंक है अराउंड 10 लीटर का, और फुल टैंक होने के बाद भाई 50 किलोमीटर के हिसाब से 500 किलोमीटर चलनी चाहिए। भाई अभी आओ आप लोग को एक चीज़ दिखा देता हूँ, बिल्कुल पास से दिखा देता हूँ, मैं आप लोगों को एक बार इसका फ्यूल टैंक दिखा देता हूँ। भाई अभी आधा हो रखा है, ये मैंने रिफ्यूल करवाया है, और मैं रोज़ कॉलेज लेके जाता हूँ इस वाली बाइक को, तो एक बार एवरेज देख लो कितनी एवरेज तुम दिखाते हो। ऑल्दो तो मैंने ट्रिप वाला करके देखा था 479 अभी तक ये कुल चली है, जिसमें एक बार पूरा हमारा फुल टैंक भर चुका है, और दूसरी बार टैंक भरा हुआ है और वो भी आधा हो चुका है, तब जाके 479 किलोमीटर दिए, जिस हिसाब से देखा जाए ना भाई एवरेज तुम लोग कैलकुलेट कर लो। ऑल दो मैं मानता हूँ भाई स्पीड पे मेजर करता है एवरेज, बट भाई एक चीज़ बताओ, अगर आप किसी भी नॉर्मल हाईवे पे जा रहे हो, अगर आप लोग 80-90 की स्पीड भी किसी भी बाइक से एक्सपेक्ट करते हो, तो चलाऊंगा भाई उस हिसाब से थोड़ी तो एवरेज देनी चाहिए। ये भाई मेरे हिसाब से जो एवरेज देती है नई वाली बाइक, वो देती है आराम से आपको 40 से 45 से ऊपर की एवरेज भाई मेरे हिसाब से आपको FZX से नहीं मिलती है, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा निराश कर देते, क्योंकि 150 cc के इंजन में भी अगर आप लोग को 40-45 की एवरेज मिल रही है ना, अप्रोक्स आप लोग को 50 से 55 की एवरेज मिलनी चाहिए। बट मेरा यही एक नेगेटिव पॉइंट लगा मेरे को सबसे बड़ा, जो मेरे को दुख भी हुआ,
बट कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। प्लस भाई इसमें हमें एवरेज कैलकुलेट करने के लिए एवरेज का मीटर नहीं दिखाता, तो वो भी एक इम्प्रूव हो सकता है। एवरेज मीटर से बात करूँ तो भाई इसमें हमें मिलती है भाई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, जो कि है भाई झूठ। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है भाई इसमें, है मतलब ऐप दे रखा है, सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन वो ऐप आपका कनेक्ट ही नहीं होगा। मेरा आज तक एक बार भी नहीं हुआ है, मेरे को अप्रोक्स बाइक को लिए हुआ एक साल हो चुका है, बट आज तक मैंने एक बार भी ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं करा। हमने बहुत ट्राई करी बट नहीं हो रहा है कनेक्ट, तो भाई ब्लूटूथ के नाम पे आप लोग को ठगा जा रहा है। और ब्लूटूथ के नाम पे इसके पुराने मॉडल से इस वाले मॉडल में अराउंड 10 या 15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लिए जा रहे थे, जो कि वेस्ट लगा मेरे को पैसा देने के लिए। ऑल्दो अब बात कर लेते हैं भाई इसकी एक और मेजर प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है भाई इसकी ऑफ रोडिंग। मैंने बोला था आप लोग को ऑफ रोडिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी करती है, बट भाई अगेन मैं बोलता हूँ भाई गलती हो गई, क्योंकि भाई एक मैं जैसे जैसे बाइक को चलाते हैं भाई बंदों को तो पता चलते हैं और ज़्यादा इसमें क्या क्या गलती है। तो अभी आप लोग को दिखा देता हूँ भाई ऑफ रोडिंग से रिलेटेड मेरे को क्या लगा। अब नीचे से दिखा देता हूँ जो ये वाली चीज़ है ना भाई, पूरा जो मैंने आप लोग को पहले वीडियो में दिखाया था, मेरे को ऐसा लग रहा था किसी ने मारा। फिर मेरा मामा का लड़का आया था, उसने मेरे को बताई थी भाई जो ये वाला पार्ट है ये आपका यहाँ पे टच होता है। जैसे आपकी बाइक थोड़ी सी ज़्यादा ऑफ रोडिंग करती है, जैसे इतना भी मान लो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत बम्प से भी अगर आपकी बाइक नीचे एकदम से हल्की सी तेज स्पीड में उतर गई ना, 40-50 की स्पीड में भी उतर गई, तो भाई ये वाला डेंट आएगा ही आएगा। तो ये वाली गलती भाई मैंने तो कर दी है, आप लोग ये वाली गलती मत करना, ठीक है। तो प्लीज़ ये वाली गलती मत करना, आप लोग भी अपनी बाइक को संभाल के चलाना। मेरे को लग रहा था भाई ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है, कैपेबल है लेकिन अपने रिस्क पे। थोड़ा बहुत अगर ऑफ रोडिंग करोगे तो डेंट वगैरह आप लोगों को झेलना पड़ेगा, ये बात तो मैं भी एग्री करता हूँ। तो कमेंट में आके ये मत बोलना भाई कि तुम ऑफ रोडिंग करते क्यों, ऑफ रोडिंग वाली बाइक नहीं है। ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी है बट इतनी नहीं है जितनी मैं सोच रहा था, ठीक है भाई। अब सबसे मेजर जो एक और बात कर लेता हूँ वो है भाई इसका जो ये चार्जिंग पोर्ट है भाई। ऑल्दो भाई ये चार्जिंग पोर्ट अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये चार्जिंग पोर्ट, आपको काफ़ी टाइम काफ़ी ज़्यादा जगहों पे आप लोग को हेल्प कर देगा। आपको मोस्टली आपका फ़ोन चार्ज करना हो, कुछ करना हो, बट अगर आप लोग सोच रहे हो आप इसको लॉन्ग ट्रिप पे लेके जाओगे, आप अपने साथ लेके जाओगे कोई भी एक टायर ट्यूबर भरने के लिए, मतलब पंप टाइप लेके जाओगे जो भी इलेक्ट्रिकली चलता है, गाड़ी में 12 वोल्ट का जनरेटर लगा के चलते हैं, अगर आप लोग उसको इसमें लगाओगे भाई इसका फ्यूज़ ख़त्म। 2 बार हो चुका है, पहली बारी में भी फ्यूज़ इसका लगाया था जैसे हम लोगों ने क्या नाम है हवा भरने के लिए पंप इसमें अटैच करा था, जैसे ही अटैच करा फ्यूज़ उड़ गया। दूसरी बार हम लोगों ने वॉलीबॉल खेलने गए थे हम लोग, तो वहाँ पे गाड़ी में हवा कम थी, तो हमने सोचा एक बार इसका टेस्टिंग कर लेते हैं, लेकिन दोबारा फ्यूज़ उड़ गया, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है भाई। इसकी थोड़ी सी पावर बढ़ा दो भाई, बार बार फ्यूज़ जाएगा तो लॉन्ग ट्रिप पे ले जाने के लिए मैं 4 बार सोचूंगा इस वाली बाइक को, जो कि है भाई मैं सोचता हूँ कि अगर बाई चांस अगर इसका हवा अगर निकल गया तो मैं तो फंस जाऊँगा बीच में रास्ते में। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी बेकार लगी, इस पर यामा वर्क कर सकता है। तो भाई इसकी अगली बुराई की बात करें तो वो भी हमसे एक सब्सक्राइबर ने पूछी थी कि भाई इसमें 65 के ऊपर जाने के बाद इसमें कुछ वाइब्रेशंस वगैरह या फिर फ़ायदा स्पीड में फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता। तो भाई मैं आप लोग को बता दूँ भाई पड़ता है इतना, मतलब वाइब्रेशन इसमें आती है, बहुत ज़्यादा नहीं आती है लेकिन बहुत कम भी नहीं आती, मॉडरेट वाइब्रेशन आती है। बुलेट से आप लोगों को कम वाइब्रेशन मिलेगी, बट ऑल्दो 65 के बाद 60-70 पे जैसे आपका इंजन जाएगा ना भाई आपकी बाइक लोड लेना स्टार्ट कर देगी, जो कि मैंने खुद पर्सनली नोटिस करा है, ठीक है भाई। आपकी बाइक मतलब लोड लेना चालू हो जाएगी और थोड़ी टाइटली चलने लग जाएगी, तो वो चीज़ इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और भाई एक और चीज़ मैंने देखी है ना जो स्पीड से रिलेटेड, थर्ड सर्विस के बाद भाई मैंने उनको बोला था थोड़ी स्पीड वगैरह फ्री कर देना इसकी, बट उन्होंने पता नहीं भाई क्या करा है इसकी स्पीड और ज़्यादा टाइट हो गया। मोस्टली जिन रोडों पे मेरे को 105-110 की स्पीड मिल जाती थी ना, उन पे भाई बाइक 5वें गियर में भी 100 पे भी नहीं जा पा रही है, उसमें भी जाने में स्ट्रगल कर रही है भाई। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी नेगेटिव लगी, थर्ड सर्विस के बाद बाइक की परफॉर्मेंस कम हो जाती है, ऑल्दो एवरेज भी कम हो चुकी है। एवरेज होप सो अभी बढ़ जाए, अभी मैंने फर्स्ट फ्यूल टैंक भरवाया अपना फर्स्ट सर्विस के बाद, तो होप सो ठीक हो जाए। और प्लस पॉइंट भाई इसकी बात करूँ मैं वाइब्रेशंस की, वाइब्रेशन ठीक है इतनी नहीं लगती बट है, तो ये मान के चलो वाइब्रेशन इसमें मिलती है हमें। अब बात कर रहे थे भाई इसके पीछे वाली सीट के बारे में, पीछे आराम से जो भी बैठना चाहे ना, बहुत कंफर्टेबल सीट है भाई, बहुत कंफर्टेबल, मजाक चट के बोल रहा हूँ। आप इस पर कितनी दूर जा सकते हो, जितने बंदे भी इसके ऊपर बैठे ना आज तक तो सब लोग यही बोलते हैं कि भाई इसकी सीट बड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, और तो कंफर्टेबल तो है ही, बट इसके साथ साथ पीछे जो ऐसे करके बैठते हैं जैसे मम्मी और बैठती है उनको दिक्कत होती है, लेकिन उसका भी तुम्हारे भाई ने अल्टरनेट ढूंढ लिया है। तो उसका अल्टरनेट भाई देखो, एक पैर यहाँ पे रख के दूसरा पैर आप लोग यहाँ पे रख सकते हो, मम्मी भी ऐसे करके बैठती है, जो कि कंफर्टेबली हो जाता है, नॉट फॉर लॉन्ग टूर बट थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो जाता है कि मतलब आराम से थोड़ी दूर जाना हो तो आप लोग बैठ सकते हो, और ज़्यादा दूर मम्मी वगैरह मोस्टली प्रेफर भी नहीं करती बाइक पर बैठना, ठीक है। तो ये तो होगी कुछ इसकी बातें, और अब एक चीज़ बता सकता हूँ जो यामा इंप्रूव कर सकता है, ये मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताई थी, जो कि भाई इसके ब्लिंकर्स, इसमें भाई हमें नॉर्मल इंडिकेटर्स मिलते हैं LED वाले, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगते हैं, बट
इसमें भाई हमें एक एडिशनल ऑफर मिल जाता ब्लिंकर्स का, जो कि हमें भाई धुंध वगैरह में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता था और एक्सीडेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है। ये चीज़ आप भी मानते होंगे, तो ये चीज़ हम बाहर से करवाए, इससे अच्छा भाई अगर यामा हमें इनबिल्ट दे देता R15 वगैरह की तरह तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती लोगों की। तो ये थे भाई कुछ इसके इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को नेगेटिव पॉइंट बताने थे, और मैंने होप सो आप लोगों को एक एक पॉइंट बताया। और कुछ और आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे ना कि भाई ये बताना भूल गए आप, इसके बारे में मेरे को और जानना है, तो भाई वो चीज़ आप मेरे को कमेंट में जाकर बता सकते हो। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ कमेंट में, मैं आप लोग को इंस्टेंट रिप्लाई देने की ट्राई करता हूँ, तो वो चीज़ आप लोग मेरे को कमेंट में जाके पूछ सकते हो। ऑल दो भाई इसकी अच्छी चीज़ें बातें कर रहे हो भाई, लुक काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, लोग इसको एक बार मुड़ के देखते ही देखते, और मैंने खुद करा है। और हाँ, आप में से काफ़ी सारे लोग पूछते हैं भाई इसकी विंडशील्ड पे आपने जय श्री राम ही क्यों लिखवाया। भाई हम राम भक्त हैं तो जय श्री राम ही लिखवाएंगे ना यार, ठीक है। देखो भाई जैसा आप वैसे 90% लोगों को पता होगा भाई, देखो मेरे कड़े पे भी जय श्री राम लिखा हुआ है, तो इस पे भी जय श्री राम ही लिखा जाएगा। और इसको देख के भाई तीन लोग जय श्री राम पढ़ते हैं तो इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है ना। और हमारे लुक पे चार चांद ही लगा रहे, कोई बुरा तो दिख नहीं रहा, ठीक है। तो ये सारी कुछ बातें थी। अब मैं आप लोग को भाई काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव बता चुका हूँ कि भाई इसकी ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव भाई मेरे को ज़्यादातर इसकी कंफर्ट लगा है, ठीक है भाई, कंफर्ट लगा है। ऑल दो इसकी लुक मेरे को रोड प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, रोड प्रेजेंस में देखूंगा आप लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे, आपको ऑब्वियसली देखेंगे, मेरे से लिख के ले लो, क्योंकि ये वाली बाइक भाई काफ़ी कम है रोड्स पे और काफ़ी कम लोगों को पता है। तो अगर लेना चाहो तो ये कुछ भाई इसकी दिक्कतें हैं जो मुझे लगे हैं, हर FZX ओनर के लिए नहीं होगा, बट मुझे लगे है तो मैंने वीडियो बना दी इसके रिलेटेड, क्योंकि मैं सोच रहा था 10,000 किलोमीटर पर बनाऊँ, बट ये सारी दिक्कतें मेरे को 6,000 किलोमीटर पर देखने के लिए मिल रही है, तो मैंने सोचा एक रिव्यू वीडियो प्रॉपर निकाल ही देता हूँ एक साल के बाद। सो ये से आप देख लेना एक बार FZX लेने से पहले, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मेजर पॉइंट्स भी बताए और काफ़ी सारे कम पॉइंट भी बताया। और एक पॉइंट जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था वो था भाई इसके पिलियन सीट पे जो भी बैठेगा, नीचे का इसका मड गार्ड नहीं है, तो अगर बारिश में आप इसको 20-30 की स्पीड पे भी चलाते हो ना तो भाई पानी उछट के ऊपर आता है और आपका पूरा बैग जो भी पीछे बैठा हुआ है ना उसको पूरा बैग गंदा कर देता है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। और इसका ऑल्टरनेटिव मैंने आप लोग को बताया था वो था FZX V2 का मड गार्ड, इसको चेंज करवा के V2 लगवाने का, लेकिन उससे लुक्स थोड़े कॉम्प्रोमाइज होंगे और मैंने लगवाए क्योंकि मैं जर्नली इसको सोलो ट्रैवल करता हूँ इस पे, तो इतना मेरे को कुछ नीड लगी नहीं। जिस जो जो भाई चाहता है कि उनकी मम्मी अगर पीछे बैठ रही है, बहन पीछे बैठ रही है, तो वो लोग प्रेफर कर सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में, आई होप आप लोग को पसंद आई तो फटाफट जाके चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और हमारे भाई 2K कराओ फटाफट। आप लोग मैं देख रहा हूँ वीडियो को एंड तक नहीं देख रहे हो तो वीडियो को एंड तक भी देखो, होप सो जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं भाई बाकी वीडियोस को भी एंड तक देखो। इसके बाद हम लोग निकालने वाले एक बजट बाइक जो कि 1,00,000 के अंडर है, लेकिन बेस्ट बाइक है 1,00,000 के अंडर, जो कि स्प्लेंडर का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर भी बोल सकते हो आप। तो इसके साथ इस वाले व्लॉग को हम लोग एंड करते हैं, सब्सक्राइब कर दो, सी यू इन अनदर व्लॉग, व्लॉग नहीं अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।